अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से हैं और हम भी खैरियत से हैं। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। और आज है संडे, संडे का आगाज हो चुका है अच्छी सी ब्लेसिंग के साथ। तो आप लोग हमेशा अपने घर में तंदुरुस्त और तवाना रहें। तो आज मेरे किचन में बनने लगे हैं गोभी के पराठे, क्योंकि कल मैंने बनाई थी आलू गोभी। तो बच्चों ने फरमाइश किया कि आज बनेंगे गोभी के पराठे, तो चले मिलते हैं आपसे किचन में और बनाएंगे गोभी के पराठे, मज़े मज़े से, यमी यमी से गोभी के पराठे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये बन रहे हैं पराठे, जैसे कि मैंने आपको बताया था पराठे बन रहे हैं गोभी के और मज़ेदार से। तो बच्चों ने कहा था कि संडे है तो संडे को बनेंगे मज़ेदार से गोभी के पराठे। तो आप देख सकते हैं यमी यमी से मज़ेदार पराठे। तो किस किस को खाने गोभी के पराठे संडे स्पेशल पे, तो ये देख लें कितने मज़े के फातिमा बाजी बना रही है पराठे। तो आज पराठों की खुशबू से उड़ चुकी थी शौलमियत ने कहा था कि मम्मा मैं तो आज गर्म गर्म पराठे गर्म खाऊँगी अपने बाबा जी के साथ ही। तो शौलमियत भी उड़ चुकी थी। अब मेरी कोशिश है कि सारे बच्चे जल्दी उड़ जाएँ और ताकि जल्दी जल्दी से नाश्ता गर्म गर्म किया जाए, लेकिन इनकी अपनी मर्ज़ी है। जब जब जो उठेगा तभी वो नाश्ता करेगा, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ ही नाश्ता करते हैं, ये उनकी अच्छी आदत है। अगर इनके बाबा चले जाते तो वो लोग मेरे साथ नाश्ता करते हैं, अकेले कभी भी नहीं वो खाते। जनेडा है, कभी कभी लेट उठ जाती है तो वो अकेले खाती है, लेकिन हम सब शौलमियत, सिबल और मेरा बेटा तो अपने बाबा के साथ ही शुरू से वो खाता है, वो अपने बाबा के साथ खाता है, लेकिन मेरी बेटियाँ वो मेरे साथ ही खाना खाती हैं, नाश्ता करती हैं। तो ये देखिए बन चुका है पराठा और ये आटा है और ये पेड़े मैंने बना कर रखे थे, साथ साथ पेड़े बनाए थे और साथ साथ बन रहा था गोभी का पराठा। तो ये देखें हस्बैंड जी का नाश्ता रेडी हो गया था और ये जा रहे हैं आज मज़े के गोभी पराठा बनाए, मुझे बहुत पसंद है और आपको भी अगर पसंद है तो सही है, अपने घर में बनवाएं और मज़े से खाएं। बारिश के सीज़न में बहुत मज़ेदार है। आई लव और यहाँ सो रही हैं सिबल मैडम। सिबल मैडम को उठाया जा रहा है लेकिन सिबल मैडम नहीं उठेंगी और इनके बाबा भी इसको छेड़ रहे हैं। शौलमियत भी उठा रही है, नहीं उठ रही, लेकिन सिबल बहुत ही मीची नींद सो रही है। तो इसी के साथ एक छोटा सा बेबी भी आ गया, ये देखें ये मेरे भाई का बेटा है, जो मैंने बताया ना ट्विंस हुए हैं, तो वो है ये नेथन है। तो ये सुबह इसके बाबा लेकर आए थे इसको हमसे मिलवाने के लिए, तो मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं इनको देख के। तो एक आ गया है और एक नहीं आ रहा, वो हस्बैंड जी पीछे नाश्ता कर रहे हैं। तो ये देखें तो जेसन एडम के पास वो सिबल भी इसकी आवाज़ से उड़ गई और ये देख सकते हैं कितना क्यूट बेबी है। ये हमारा संडे का गेस्ट है जो सुबह आया हमसे मिलने। तो ये देखिए किचिया भी कर लेता है ये, तो छोटा बेबी है। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली वो वक्त आ चुका है कि बच्चे सुबह जाएंगे स्कूल। तो थैंक गॉड के बच्चे स्कूल जाएंगे, काफ़ी छुट्टियां हो चुकी हैं। तो मैं आप देख सकते हैं कर रही हूँ उनके कपड़े प्रेस। तो ये सिबल का यूनिफॉर्म है, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से इनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। मैंने इनके शूज़ निकाल दिए हैं, अभी शूज़ पॉलिश करूँगी, फिर इनके कपड़े निकाल दिए हैं, कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और बाकी बुक्स वगैरह हैं वो कुछ बच्चों की बुक्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन सिबल की बुक्स वगैरह आ गई हैं। तो सुबह जाएंगे बच्चे स्कूल, बच्चों से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ और मैं खुश हूँ, बच्चे भी हैं खुश, लेकिन बच्चों को वही इंजॉयमेंट, वही छुट्टियाँ। लेकिन अब कोई छुट्टी नहीं होगी, सब बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे, मेरे बच्चे तो लाजमी जाएंगे। तो इसी तरीके से तैयारी करें, खूब आज संडे है तो बच्चों की हर चीज़ चेक करें, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, बैग में पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर, इंक वगैरह। तो सिबिल का ड्रेस यूनिफॉर्म हो चुका है, अब करूँगी मैं दूसरे बच्चों का। तो आज तो मम्मास की खैर नहीं है, मम्मा से बहुत सी तैयारी करनी है, बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं, शूज़ पॉलिश करने हैं, हर तैयारी करनी है जी। ये तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखें, लेकिन बच्चे कोई फ़र्ज़ पूरा नहीं करते हैं, हमारे बिल्कुल ख्याल रखते हैं। चलो कोई बात नहीं, जब बड़े होंगे खुद ही रख लेंगे। तो आप इसी के साथ बने रहें और हमें बहुत सब याद है। तो मिलते हैं आपसे देर के बाद। ये कहाँ से आया, इसको कहते हैं क्या।
तो इधर आ चुका था सामान, बच्चों ने कहा था आज बनेंगे स्पेगेटीज, तो ये देख सकते हैं मैं कटिंग कर रही हूँ वेजिटेबल्स की, और वेजिटेबल हो रही है कटिंग। तो ये है कैरेट और आइसबर्ग और शिमला मिर्च, तो यही हमें अच्छी लगती है। और वो आ गया था साथ ही ऑयल, तो हस्बैंड जी को पता है कि ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो रोज़ाना डेली ऑयल आते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा कंजूसी यूज़ करती हूँ, तो मैंने उनको मना किया था कि नहीं लाना ऑयल पड़ा हुआ, लेकिन वो फिर भी ले आए थे। उनको पता कि ऑयल मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी कर रही थी कटिंग ताकि मैं तैयार कर सकूँ खाना। तो ये देख सकते, और साथ आ गए थे हमारे घर पे गुलाब जामुन। किस खुशी में, वैसे ही मूड हो रहा था गुलाब जामुन खाने का, तो हमने मंगवा लिए थे हस्बैंड जी से गुलाब जामुन। तो यहाँ पर पानी हो चुका है बॉयल और मैंने इसके अंदर डाल दिए स्पेगेटीज। तो आप ये देख सकते हैं ये स्पेगेटीज बॉयल हो रही है। मैंने नमक और तेल डाल के रख दिया था पानी को, जैसे पानी बॉयल हुआ मैंने इसके अंदर डाल दी थी स्पेगेटीज। और जैसे अब इसको हल्का सा और सेक लगेगा तो मैं इसको उतार दूंगी और पानी इसका रिंग कर दूंगी। तो आप देखते रहें। यहाँ पर चिकन मैंने एक साइड पर रख ली है और चिकन मैंने कर ली है, मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन। और चिकन आप देख सकते हैं अब ये जाएगी सारे स्पेगेटीज के अंदर, और इसको अच्छे से भून लेना ताकि जो इसके अंदर स्मेल होती है, अदरवाइज़ मेरी चिकन से आज तक कभी स्मेल नहीं आई। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, इसका ऑयल जैसे ही ऊपर आएगा फिर हम इसके अंदर और जो मसाले वगैरह ऐड करने वो ऐड कर देंगे। और ये मेरी वेजिटेबल्स हैं, और साथ में पी रही थी चाय। तो ये देख लें क्योंकि शाम की चाय भी बन चुकी थी। तो ये देखें बन चुके हैं स्पेगेटीज, डन हो चुके हैं। और किस किस को खाने स्पेगेटीज, अब जैसे ही हस्बैंड जी अंदर आएंगे, लाइट गई है, तो फिर हम खा लेंगे अच्छा सा डिनर, यमी यमी सा डिनर स्पेगेटीज के साथ। तो आपने हमारे साथ ही बने रहना है और हमारे साथ ही रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें और हमारे साथ ही बने रहा करें। इस तरीके की आपको वीडियो और देखने के लिए मिलेगी। और ये मैं ऐड करी थी इसके अंदर चिली सॉस ताकि और ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है यम सा आए, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी दिनों से रट लगाई थी हमें पास्ता नहीं खाना, हमें स्पेगेटीज ही खाने हैं। तो जिनेडा हो रही है, सो रही हैं, तो जिनेडा जैसे सोकर उठेंगे ये जिनेडा के लिए सरप्राइज़ है। हमने उसको कहना कि हमने नहीं बनाए स्पेगेटीज, हमने बनाए हैं मैक्रोनी। तो जिनेडा को आ जाएगा गुस्सा, फिर हम उसको दिखाएंगे तो वो हो जाएगी हैप्पी। तो इसलिए मैं बच्चों की हर वो ख्वाहिश पूरी करती हूँ जो उनको अच्छी लगती है, और जब मेरा दिल चाहता है मैं बना लेती हूँ वेजिटेबल। तो आपने हमारे साथ ही बने रहना है और वीडियो को लाइक कर शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल पे रहें। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, बाय।